सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी वर्कबुक में लिखना सिखा रहे हैं। ये है आपकी हिंदी वर्कबुक की पुस्तक शब्द आरेख। यूकेजी में स्वर आरेख, एलकेजी में शब्द आरेख। आइए, एलकेजी में आपका स्वागत है। वर्ण लिखना है हमें, तो हम लोग कहाँ तक लिख लिए थे? तलाब्यश, मूर्धन्य ष, दन्ति स तक। अब आज लिखेंगे ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। एक ही वर्ण को दो दो बार लिख के बताया गया। देखिए, लिखने सिखाया जा रहा है आपको वर्ण को, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। वर्ण पहचान गए मतलब शब्द बना लिए, शब्द बना लिए मतलब वाक्य बना लिए, वाक्य बना लिए मतलब कि आपको पढ़ने आ गया, समझ रहे हैं ना? तो आज आपका जो ये पृष्ठ संख्या 36, 36 और 37 है, एक ही प्रकार का वर्ण दिया गया। लेकिन आपको हम ये वीडियो दो दिन भेजेंगे, आप एक दिन में 36 और एक दिन में 37 बनाएंगे। इधर HW, इधर डेट, इधर HW, इधर डेट। लेकिन वीडियो को देखिएगा तभी तो पता चलेगा कि एक दिन में कितना बनाना है। आप लोग तो देखते नहीं, आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे और मेरे बना के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। देखिए, आपको हम लिखना सिखा रहे हैं पेज संख्या 36। तो सबसे पहले पंक्ति दे देंगे, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, ह शीरो रेखा, फिर से ह शीरो रेखा, अक्ष देखिए शीरो रेखा, अक्ष शीरो रेखा, त्र शीरो रेखा, फिर से ज्ञ शीरो रेखा। ठीक है, इसी को देख के फिर से नीचे पूरे पृष्ठ को भरेंगे। पहले तो आप इस पे पेंसिल से हाथ चलाएंगे, प्रथम पंक्ति में, फिर द्वितीय पंक्ति में भी पेंसिल से हाथ चलाएंगे, तब पूरे पृष्ठ को लिखेंगे। फिर से हम लिख रहे हैं, देखिए, ह, ह, अक्ष, अक्ष, किस तरह से हाथ घूम रहा है आप देखेंगे, त्र, ठीक है, त्र, ये पूरे पृष्ठ को एक दिन में भरेंगे। फिर देखिए, यही है पृष्ठ आपका, पृष्ठ संख्या 37 में एक ही पृष्ठ है, दोनों दोनों में एक ही वर्ण है। पृष्ठ तो दो है लेकिन वर्ण एक ही है, जो कि आपको हम लिखना बताए हैं। ठीक है, आप देख के इसी प्रकार से पृष्ठ संख्या 37 में भी लिखेंगे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर दूसरे दिन सेंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।